अस्सलाम वालेकुम सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पर आप सभी का वेलकम है। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट के ना कमेंट्स रीड कर रहे थे जिसके अंदर ना बार बार स्टूडेंट ये कह रहे हैं वेबसाइट नहीं चल रही, वो वेबसाइट को मतलब कि ना उनकी कुछ वो कमेंट्स में गलत चीज़ें भी बोल रहे हैं अदारे को वेबसाइट को, जबकि कसूर अदारे का वेबसाइट का नहीं है, वेबसाइट चल रही है, एडमिशन अप्लाई हो रहे हैं आप लोगों के, आप लोगों की तरफ नहीं चल रही तो वो आप लोग अपना इशू चेक करो कि आप लोगों की तरफ क्यों नहीं चल रही। नहीं चल रही तो आप लोग किसी इंटरनेट कैफे से या जो व्हाट्सएप आपको नंबर नजर आए यहाँ से किसी और से अप्लाई करवा लो ना, लाजमी नहीं है कि अगर आपकी तरफ नहीं चल रही तो आप लोग बैठे रहोगे कि यूनिवर्सिटी की गलती है, वेबसाइट चल रही है। मैं आप लोगों को अभी फिर लाइव आपको दिखा देते हैं कि कैसे जो है वो चल रही। देखिए गूगल ओपन करें, ठीक है, एग्जामिनेशन .su.edu.pk आपने ओपन करना है, पहला लिंक है ये, देखिए पहले लिंक पे क्लिक करते हैं फौरी आपके सामने वेबसाइट ओपन हो रही है। पता नहीं क्यों नहीं आप लोगों की तरफ वेबसाइट ओपन हो रही, जबकि यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लियरली देख रहे सप्ली वालों की, फ्रेश की, सबकी वेबसाइट चल रही है, एडमिशन अप्लाई हो रहे हैं। तो आप लोग काइंडली टाइम वेस्ट ना करें, अगर आप लोगों की तरफ वेबसाइट नहीं चलती तो आप लोग किसी को पैसे देकर अप्लाई करवा लें, लेकिन डबल फीस से बचिएगा। 14 नवंबर लास्ट डेट है तो बेहतर है कि आप 14 से पहले पहले अप्लाई कर लें, क्योंकि बाद में आपको जो 10,000 फीस है वो आपको 20,000 पे करना पड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर है कि आप किसी और से अप्लाई करवा लें, अगर आप लोगों से अप्लाई नहीं हो रहा, वेबसाइट आपकी तरफ इशू कर रही है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी और से अप्लाई करवाएं, वरना वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, वेबसाइट का कोई इशू नहीं आया, वेबसाइट का सिर्फ 2-3 घंटे के लिए उस दिन इशू आया था जब आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, अदरवाइज उसके बाद अभी तक 1 मिनट के लिए भी वेबसाइट का इशू नहीं आया। तो काइंडली आप लोग बजाए कि अदारे को गलत बोलो, वेबसाइट को गलत बोलो, वेबसाइट को गालियां निकालो, यूनिवर्सिटी को गालियां निकालो, तो काइंडली इस चीज़ से परहेज किया करें। MA MSc के आप लोग स्टूडेंट हो, अगर नई वेबसाइट चल रही तो आप रीज़न देखो कि क्यों नहीं चल रही। आप लोगों को पहले भी कल परसों भी बताया था कि वेबसाइट चल रही है, वर्किंग हो रही है, अप्लाई हो रहे हैं, तो आप लोग काइंडली अपनी तरफ देखो कि आपके मोबाइल लैपटॉप में क्या इशू है, उसको सॉल्व करो। वेबसाइट का कोई इशू नहीं है, वेबसाइट ओपन है, एडमिशन अप्लाई हो रहे हैं, आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है, ये आप लोगों के सामने जब वो सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है तो ये आप लोगों के सामने सारी वेबसाइट ठीक बिल्कुल काम कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लास्ट स्टेज पे जाकर रश की वजह से थोड़ी बहुत डाउन हो जाए, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए कोई भी वेबसाइट जो है ना वो वर्किंग नहीं छोड़ रही, ठीक है। तो काइंडली आप लोग अप्लाई करें, बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।